हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा जी भाई बटर गार्लिक चिकन या गार्लिक बटर चिकन बोल लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई आप ये देख रहे हैं कि क्या है ये भाई, ये बोनलेस चिकन है जिसके मैंने निक्के निक्के पीस करके रख दिए हुए हैं। ज्यादा नहीं है, करीब 800-850 ग्राम है, उसके ऊपर नहीं है। इसमें डालेंगे जी नमक भाई स्वाद अनुसार। इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, डेढ़ कर दो। चिल्ली के फ्लेक भाई अपने स्वाद अनुसार। भाई गार्लिक का पेस्ट भाई 2 टेबलस्पून। भाई कॉर्न का फ्लोर, कॉर्न फ्लोर 2 टेबलस्पून। तो जी इन सब को इज्जत से भाई मिला दो। भाई मैरिनेट करते करते मेरे ध्यान में आया क्यों ना इसमें हम बटर भी मिक्स कर ले। ठीक है जी भाई, 1 टेबलस्पून बटर, ठीक है, मिला लो। ट्राई करते हैं, मिला लो अच्छे से, 1 टेबलस्पून काफी है। तो जी मैरिनेशन हो गई है, अब मैं इसे करीब ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट भाई रेस्ट देता हूं। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी कढ़ाई लगा दी निक्की जी, ठीक है जी। इसमें डाल रहा हूं जी मैं तेल, तो इसको थोड़ा गर्म होने को है। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो गया जी, अब हम इसमें टिकाते हैं जी वो मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस, ठीक है, 1 बाय 1। भाई अब करना क्या, करना कुछ नहीं जी, आपने इसको 7 मिनट इस साइड को करना है और 7 मिनट इस साइड को करना है, 7-7 मिनट, ठीक है भाई। गैस की फ्लेम मीडियम रहनी चाहिए, हाई नहीं, नहीं तो जल जाएंगे यार, क्या फायदा होगा फिर। तो जी इस पे ढक्कन रखो अब 7 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। तो जी 7 मिनट हो गए, चक लो। अब आपने करना क्या जी, इनको पलटाना है, ठीक है, पलटा लो और इस साइड भी इसके इसे भाई आप 7 मिनट के लिए कुक करो, ढक्कन बंद रख के भाई मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तो जी अगेन 7 मिनट हो गए, चक लो। ओ तो भाई अब करना क्या, करना कुछ नहीं है, हाई फ्लेम कर लो, ठीक है जी। हाई फ्लेम करके भाई इसके दोनों साइड भाई ब्राउन करो, ब्राउन बल्कि जलाना नहीं है, केवल ब्राउन करने का है हाई फ्लेम करके। तो जी हाई फ्लेम करके मैंने इसके दोनों साइड भाई ब्राउनिश ब्राउनिश कर दिए, यानी कि क्रिस्प क्रिस्पी हो गया जी। मैं इनको निकाल बाहर करता हूँ और जो बाकी पीसेस है उनको भी ऐसे ही फ्राई करता हूँ, ठीक है जी। सबके सब हमने ब्राउनिश ब्राउनिश कर दिए, करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कढ़ाई फिर लगा दी लेकिन बड़ी वाली लगा दी। इसमें हमने केवल 1 टेबलस्पून भाई तेल डाला हुआ है, ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रहा हूं जी 2.5 टेबलस्पून माखन माखन जैसा डालो जी, डालो, ठीक है जी, अमूल का बटर है। तो जी वो माखन अपना जो है वो घुल गया, मिल गया, वैसे भी गर्मी होता है। तो डाल दो जी इसमें भाई लहसुन भाई चॉप किया हुआ, ठीक है जी। भाई कितना ही लहसुन है, 2 टेबलस्पून है, ज्यादा नहीं है। तो इसे आप 30 सेकंड के लिए भून लो। तो जी 30 सेकंड के बाद डालेंगे जी इसमें हम भाई हरी की मर्चा, जितना आपका दिल करे हाँ, तो मिलाओ जी इसे 20 सेकंड के लिए फटाफट। तो जी लगा डालते हैं ये क्या है, क्या है भाई, वो प्याज स्प्रिंग आनियन डाल लो जी, मिला लो चंगी तरह। तो जी मिला दिया हमने इसे भी 30 सेकंड के लिए। अब हम इस पर डालेंगे जी भाई सोया का सास भाई 1/2 टेबल स्पून, विनेगर भाई 1 टेबल स्पून, भाई मिला लो चंगी तरह से। भाई चिली के फ्लेक भाई मैं 1 टीस्पून मिला रहा हूँ, ज्यादा नहीं, तो मिलाओ जी इसको। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, तो जी मिला लो जी इन सबको। तो जी पका दिया, अब गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए लो कर दो। इसमें डालते हैं जी कॉर्न का फ्लोर 1 and 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर। तो जी थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहो और इसे घोलते रहो, पानी ज्यादा नहीं मिलाना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो इसे पकाते रहो, अब देखो कि इसकी जो गाढ़ापन है, जो इसकी कंसिस्टेंसी जो भी है भाई, वो कैसी आ रही है, उसी हिसाब से पानी मिलाते रहना, ठीक है, हाई फ्लेम करके। तो जी देख लो जी कंसिस्टेंसी इससे हाई है, थोड़ा पानी और मिलाएंगे भाई। देखो इसे पकाते रहो अभी फिलहाल, जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर ना है। तो जी कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ चुकी है जी। इसमें हम मिलाएंगे जी अब नमक। भाई नमक का ध्यान रखना, क्यों नमक पहले मिलाया जी, चिकन में भी नमक बटर में भी होता है, तो भाई उसी हिसाब से नमक ऐड करना, ठीक है जी। तो मिला दो दोबारा, सॉरी भाई मिला लो जी दोबारा से। तो जी मिलाओ सारे का सारा चिकन के पीसेस। तो जी इसे प्रॉपरली अब मिला लो। तो जी इसमें लास्ट में दोबारा से हम थोड़ा मक्खन मिला लेते हैं, ठीक है, कितना ही 1/2 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं मिलाना। तो जी मिला लो चंगी तरह से। तो लो जी बन के तैयार हो गया जी, हाँ अब करते हैं जी सेम टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपना भाई गार्लिक बटर चिकन। भाई देखो यार, भाई अब बताओ कि दिखने में आपको कैसा लग रहा है जी कैमरे के ऊपर, हाँ भाई रियलिटी में तो ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है जी, कैमरे में कैसा दिख रहा है, कभी कभी कैमरा भी बड़ी चीज़ खूबसूरत बना देता है। भाई साथ में क्या लीजिए, साथ में लिए जी आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, ये क्या चीज़ है भाई, कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हमने फ्राई करके पहले रख दिया था, ठीक है भाई। ये क्या, ये जी स्वीट चिल्ली सॉस है, ये नया अभी आ चुका है जी हमारे
मार्केट में, ठीक है जी। और भाई ये जी तंदूरी रोटी और ये दो नींबू। भाई ये जो सॉस है ना, ये मैंने आज ही देखा मार्केट में, मैं कहा चल देखता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। अब मुद्दा ये है कि भाई जो हमारा गार्लिक बटर चिकन है भाई, ये खाने में कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, देखो हाँ ग्रेवी पूरी चिपक गई है, एकदम चिपक चिपक के हैं, देखो चिपक चिपक के। फोकस करो फोकस करो फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, आ करो करो आ। तो आ भाई इज्जत से आ तू मेरे प्लेट में, इज्जत से आ जा भैया। हाँ देखो जी, मेरे को इत्मीनान से दिखाऊंगा भाई कैसा बना हुआ है। अब मुद्दा ये है कि टेस्ट में कैसा होगा, हाँ अब वो मुझे नहीं मालूम यार। हाँ पहले इसकी हम ग्रेवी चेक करते हैं यार, ग्रेवी ग्रेवी इसकी बड़ी टेस्टी होती है गर्म गर्म में भैया। आ भैया ग्रेवी तीखी हो गई है, वो क्या चक्कर आ गई, वो जो चिल्ली फ्लेक आजकल हरी की मिर्चा दोबारा से बहुत तो तीखी तीखी आना स्टार्ट हो गई है, ग्रेवी तीखी तीखी है, अच्छी है और थोड़ी खटखटी बनी है। तो मुद्दा ये है कि इसका टेस्ट कैसा चिकन का, और भाई अलॉन्ग विद ग्रेवी। टेस्ट जहाँ तक मैं मतलब कि मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब कि इतना दिमाग का नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, एकदम नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। मतलब कि गार्लिक का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है, सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट और गार्लिक गार्लिक टेस्ट आपकी ज़ुबान पे आएगा, और जो तीखा तीखापन है वो आएगा, जो कॉर्नफ्लोर का चिकनाहट है वो आप जुबान पे महसूस करोगे। और बताता हूँ मैंने और क्या क्या महसूस किया, भूल गया, पहले मैं दिखाऊंगा जी आपको कि ये जूसी कितना है। देखो ये अंदर से बहुत जूसी है, बहुत ज़्यादा। और भाई और खाते हैं इसको ऐसे ही लगा लगा के। जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि भाई इसे हमने थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश करना है, वो मैंने क्यों कहा था, वो मैंने इसलिए कहा था कि इसमें एक स्मोकी टाइप फ्लेवर है, स्मोकी टाइप नहीं या क्या बोलते उसे, वो थोड़ा हल्का फुल्का जला हुआ फ्लेवर आए यार, जलाना नहीं है बस, वो फ्लेवर आना चाहिए थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी भी, तो किसी हद तक उसने भी जस्टिफाइड किया हुआ है। बट जो ये रेसिपी है ये एक स्नैक रेसिपी है, और हर एक बंदे को ये पसंद नहीं आएगी, किसी किसी खास खास बंदों को ये पसंद आएगी, अब मालूम नहीं किस किस को पसंद आएगी यार। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये थोड़ी ग्रेवी ना बनता ही चौर, और मुझे लगता है कि इसमें हमें ना भाई स्मोकी फ्लेवर भी देना चाहिए था यार, बहुत हद तक ना ये अच्छा बनता, अभी भी ठीक ठाक है, मतलब कि धमाका नहीं है, जाबरा नहीं है, जाबर नहीं है, जबरानजा नहीं, कुछ कोई कैटेगरी नहीं। अगर मैं रैंक करूं, अगर मैं कहूं भाई ये 10 में से कितने नंबर दोगे जी से आप, मैं कहूंगा जी मैं इसे 6 नंबर दूंगा इस रेसिपी को, 6 नंबर, 5.5-6 नंबर इतना दूंगा, मेरे को इतना ही स्वाद आ रहा है यार। तो जी मुद्दा ये है कि मेरे को इस पर नींबू छिड़कने का है, ये देखेगा नींबू से कैसा टेस्ट आएगा इस पे। नींबू पड़ जा हाथ से फिसल रहा है यार, इतनी चिकनाहट आ गई है इसके अंदर। वाह यार नींबू ने क्या फ्लेवर दिया, बड़ा प्यारा फ्लेवर दिया। अगर हम लेमन चिकन इसी तरीके से बनाए ना, पक्का बनाऊंगा यार लेमन चिकन, मुझे लगता है कि इस रेसिपी से बहुत अच्छी बनने वाली है, मैं जरूर ट्राई करेगा वो लेमन चिकन। तो भाई अब मेन मुद्दा ये है, जो ये मैंने रखा हुआ था जी फ्राई करके, ये मैंने क्यों रखा हुआ था, और देखो भागते क्यों भाई, ये देखने के लिए कि भैया इसका टेस्ट कैसा है। हाँ मैंने तब भाई बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, मैं अभी चेक करेगा इसे, बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है, इससे तो ये बेटर लग रहा है यार जो गार्लिक बटर वटर मिला के हमने बनाया हुआ है ना, उससे ये बेटर लग रहा है मेरे को। ये जी स्वीट चिल्ली सॉस, कंपनी नहीं बताऊंगा कंपनी कौन सी भैया, हाँ बस ये देखा मैंने और मैं लेकर आ गया, कमेंट में पूछ लेना मुझसे कि कमेंट कंपनी कौन सी है, इसको मैं टेस्ट करेगा इसके साथ में, इसके साथ देखना टेस्ट कैसा आएगा। स्वीटी स्वीटी चिली चिली, अब मैं ये इसको भी ट्राई करेगा, बाकी उतना भी धमाका नहीं है, काम चलाओ ठीक है यार, बल्कि एक अलग फ्लेवर आज मैं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा मिठास भी आ रही है और थोड़ा तिखास भी आ रही है, समझे। अब मुद्दा ये है कि ये तंदूरी रोटी खाने की बाबा, जैसे देखा जाए इसका कोई मतलब नहीं इसके साथ में, समझे आप, ये तो मैंने एवे लाया जी टेस्ट करने के लिए, देखते हैं कि क्या टेस्ट आएगा। हाँ समझे मेरी बात आप, ये तो स्नैक है यार, ये तो सिंपल एक स्नैक है, इसको हम स्नैक की तरह ही खाएंगे जी, शाम को पार्टी को जब होगी, ये तो नान से चार दोस्त बैठेंगे,
तो ठीक है, पेट भर सकते हो, टेस्टी आएगा, जरूर आएगा। तो भाई इसके साथ मैं कुछ खास इंजॉय नहीं कर रहा हूँ यार, जोड़ के बोलना आपसे यार। जैसे मैंने बताया आपसे कि ये एक स्नैक रेसिपी है, वही बस अपने यार दोस्त बैठे होंगे, चार बोतलें खुली होंगी जूस की, तो उसी में इंजॉय हुआ जी इसका। तो मैं सोच रहा हूँ यार किंग को लेके आता हूँ, जैसे क्या मालूम किंग मुझे कोई टेस्ट टूस दे दे। तो लो जी किंग की एंट्री हो चुकी है। किंग आज खिला खिला लग रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है यार, आज 1 2 3 4 नहीं हो पा रहा प्रॉपरली आज भाई। अरे एक मक्खी पीछे पड़ गई है, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है यार, पता नहीं कहाँ से घुस गई अंदर कमरे में यार, तंग किए जा रही है बार बार। क्या यार, तो आओ भाई इसकी ग्रेवी लेते हैं और ये चिकन भी फिट करते हैं इसके अंदर। बड़ा मजा आया यार, बहुत मजा आया सच में। आप देखो ये रेसिपी इसकी नहीं है, मतलब किंग की रेसिपी नहीं है भाई ये, लेकिन यार स्वाद बड़ा आ रहा है मेरे को यार। मतलब ऐसे मजाक नहीं बनाना भैया, क्या कर रहे हो आजकल आप ये। ये लगता है कि रुमाली रोटी के साथ खाने में स्वाद आएगा यार। बल्कि दिखने में जितनी ये खूबसूरत दिख रही है रेसिपी, बल्कि जितना दिख रहा है खूबसूरत दिख रहा है ये, बल्कि टेस्ट में मुझे यार इतना खूबसूरत लग नहीं रहा यार, मालूम नहीं क्यों। आप भी अपनी जरूर मुझे एडवाइस देना भाई, अगर आप ये बनाते हो गार्लिक चिकन बटर गार्लिक चिकन कैसे बनाते हो, क्या मालूम मैं भी वो ट्राई करूँ यार, या दोस्त अच्छा बने हाँ फिर गाल की मक्खी यार। तो दोस्तों भाई ये था जी बटर गार्लिक चिकन, आप भी जरूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा और कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।